चांद सब चीज उसके हाथ आई है। क्यों मोबाइल क्यों नहीं लाया गया? क्या कमी है कि पंकज ऐसा ही दिखला क्यों नहीं चला जाता? अरे उन्होंने मुझसे मौखिक में कई बार कहते हैं सब लोग कि पंकज ऐसा ही हमारा ईमानदार है, जो 50,000 को मुझसे मांगते हैं वो ईमानदार है। कल कितनी गंगोर बारिश थी मेरे बेटे को, कल तेज बुखार चढ़ गया था बारिश से कि मेरा दिल जानता है मैं एक बेटी तो खो चुकी हूँ। मैं मेरी स्थिति से क्या बेटा, आज मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ, जब तक ये विष्णु शर्मा और इसके सहयोगी जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, मेरी आखिरी सांस भी वहाँ से चली गई, मुझे तमन्ना नहीं होगी मेरी डेड बॉडी को भी जब हाथ लगाया जाए जब विष्णु शर्मा सलाखों के पीछे हो। नाबालिग पुत्री की बरामदगी की मांग को लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख सहित 4 सदस्य बैठे उपवास पर नाबालिग पुत्री की बरामदगी करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की करी मांग। अपहृत लड़की की बरामदगी व आरोपी विष्णुदत्त शर्मा की गिरफ्तारी हेतु परिजनों द्वारा SSP कार्यालय के बाहर लगाए जा रहे धरने का समर्थन देते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने अपने 4 कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर जाकर एक दिवसीय भूख हड़ताल करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि 3 दिन में नाबालिग लड़की को बरामद करें और आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र की जाए, नहीं तो शिवसेना और आंदोलन करने को बाध्य होगी। एक दिवसीय भूख हड़ताल पर जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, भवानी सेना की जिला अध्यक्ष मंजू राठौर, युवा जिला प्रमुख अंकित ठाकुर, जिला प्रमुख व्यापार सेना राकेश श्रीवास्तव, ब्रजेश ठाकुर, बबीता सैनी, प्रदीप कश्यप आदि लोग धरना स्थल पर बैठे। दरअसल पिछले कई दिनों से नाबालिग लड़की की बरामदगी हेतु पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है। कई बार पुलिस प्रशासन के लोगों ने आकर बात करके धरना समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीड़ित परिवार धरना स्थल पर लगातार बैठा रहा। आज ADM सिटी और SP सिटी धरना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात करने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि जल्दी मामले में बड़ी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन पीड़ित परिवार धरना स्थल से हटने को राजी नहीं हुआ। इस बारे में जब ADM सिटी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि परिवार को हमने कहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया जाएगा, जबकि इस मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार धरना खत्म करने को तैयार नहीं है। शिवसेना के जिला प्रमुख का कहना है कि 6 माह बाद तथा 16 दिन से लगातार लगाए जा रहे धरने के बाद भी थाना मंजोला पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पा रही और लड़की को भी बरामद नहीं कर पा रही। यदि शीघ्र ही लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तारी नहीं की गई तो शिवसेना अपने सांसदों द्वारा उपरोक्त प्रकरण को लोकसभा में उठाएंगे। आज शिवसेना SSP कार्यालय पर पीड़िता द्वारा अपनी अपहृत लड़की की बरामदगी हेतु एवं आरोपी विष्णु शर्मा को गिरफ्तार कराने हेतु जो धरना लगाया जा रहा है, शिवसेना एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। शिवसेना के साथ में मैं जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, भवानी सेना की जिला अध्यक्ष मंजू राठौर जी, युवा जिला प्रमुख अंकित ठाकुर जी और उनके साथी सहयोगी तमाम लोग हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर पीड़िता की 3 दिन के अंदर सकुशल लड़की बरामद नहीं की गई, आरोपी विष्णु शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो शिवसैनिक उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि IG कार्यालय मुरादाबाद, ADG जॉन कार्यालय बरेली पर भी आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम हर हाल में पीड़िता के साथ हैं, जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा शिवसैनिक पीछे नहीं हटेंगे। अभी धरना स्थल पर ADM सिटी और SP सिटी आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या हुआ? कोई रटारट आया जवाब होता प्रशासन का तो कि देखेंगे करेंगे, आप धरना खत्म कर दीजिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। कब कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस आपने देखा होगा हेलमेट पकड़ने वाले को अपराधियों की तरह आतंकवादियों की तरह पकड़ने के लिए भागती है बिना हेलमेट वाले को, क्या आरोपी इन्हें दिखाई नहीं देते हैं? देखिए कोई स्पष्ट आश्वासन तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर उनको मैंने आश्वासन दिया है कि हम आपके दुख में आपके साथ हैं, एक बात। और जिस जो भी आपकी लड़की को के साथ लेकर के आपकी लड़की को लेके भागा है या गायब हुआ है, हम उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर हमारे प्रयासों में कोई कमी हो तो इमीडिएट आप हमको बताइएगा, दो बात। तीसरी बात हमने उनसे ये कही है कि देखें किसी भी चीज़ को लेकर के जिद पे अड़ना गलत है, आप हमारा साथ दीजिए। उसके बारे में कुछ क्लू हो सकता है कि हमारे पास ना मिले, अगर कुछ क्लूज़ अगर आपके पास आते हैं तो आप हमको हमसे शेयर करें, हम उन क्लूज़ पे काम करना चालू करेंगे और आपकी लड़की को बरामद करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या कहा गया सर परिवार द्वारा? अभी तो परिवार का ये कहना है कि साहब हमारी लड़की को ढूंढ करके लाइए और जो लड़का जो आदमी लेकर के भागा है उसको हमारे सामने उपस्थित करिए। और आप भी जानते हैं
कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, हम कोई टाइम बाउंड आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि हम कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, नरसों पकड़ लेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, कांस्टेबल एक हमारा वो प्रोसेस होता है, हम उस प्रोसेस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जिस दिन पकड़ में आएगा हम इनके सामने लेकर के आएंगे। परिवार का धरना भी जारी रहेगा या? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका धरना ना जारी रहे, क्योंकि जिद पे अड़ने से शायद वो प्रोसेस इतनी जल्दी से ना होने पावे जैसा कि हम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने चार दिन पहले मुझे एक ज्ञापन दिया, हम और एसपी सिटी साहब आए इस सिलसिले में बात करने के लिए, और हमारी इन चार दिनों की मेहनत भी इनको नज़र आ रही है, इसको इन्होंने खुद भी स्वीकार किया है। हम आगे भी उसी पे कार्रवाई करेंगे। मेरा प्रयास यही है कि ये लोग धरना न करें, बट अभी तक तैयार नहीं है ये लोग।